तो अभी हम निकले हैं चंडीगढ़ के लिए। चैम्बूर के लिए निकल चुके हैं हम और असल में मम्मी की दवाएं लानी थी, मेडिसिन, और कई दिन से मेडिसिन में ला नहीं पा रहा था, स्कूल ड्यूटी थी, फिर बहुत सारे दूसरे भी काम थे, लेकिन उस तरफ मेरा जाना हो नहीं रहा बच्चे में। और ये जो दवाएं हैं मेरी मम्मी की, सिर्फ चैम्बूर में ही मिलती है, कहीं भी कोशिश कर लो वो दवाएं मिलती नहीं, तो इसलिए फिर मैंने बोला कि चलो आज छुट्टी का पहला दिन है तो आज ही हम लोग निकलते हैं दवा के लिए। एक बार हमें भी दवा मिल गया तो फिर महीने भर की फुर्सत है हमें। तो हाँ सिग्नल देगा मतलब दवाइयाँ लिखे थे, और एक नया भी रास्ता है, वो रास्ते से हम आएंगे। पुराने रास्ते से जा रहे हैं जो हमेशा से बचपन से जिस रास्ते पर हम लोग आते रहते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता था, बाकी दूसरे रास्ते बने नहीं थे, लेकिन अब जब नए रास्ते बन गए हैं तो ठीक है, नए रास्ते से आना जाना भी कर सकते हैं, थोड़ा ईजी करता है, ये थोड़ा ट्रैफिक वाला रास्ता है, लेकिन मुझे दोनों रास्ते कवर करने थे। अभी जाते टाइम मैं ये पुराने रास्ते को कवर करना है, ताकि यहाँ की लोकेशन, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ के आसपास के ठिकाने सब जो है कैमरे में आ जाए। और उसके बाद आते वक्त जो है हम नए रास्ते से आएंगे, ताकि नया रास्ता भी तो बना है वो भी आ जाए, गोंडी में क्या क्या चेंजेस हो रहा है लेकिन अभी बहुत डेवलप हो गया, चेंज हो गया।
ये इधर से निकलते हैं, यहाँ से रिक्शा उधर से निकलते हैं, आपको ये रास्ते पर भी जाते हैं। तो पहले शुरू शुरू ये ब्रिज स्थान है, अभी बना रहे हैं, ये फ्री वे का ब्रिज है। रास्ते पे सिर्फ कार्स अलाउड है, हैवी व्हीकल्स और टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स अलाउड नहीं है। एक बार इस फ्रीवे में चढ़ गए तो डायरेक्ट मुंबई में एंट्री। तो ये चेंबूर जाने का बहुत ही बड़ा रास्ता है, गौतम नगर से जो जाएंगे तो चेंबूर के ईस्ट में पहुँचेगा और यहाँ से जाएंगे तो चेंबूर वेस्ट में पहुँचेगा। तो ये रास्ता जो चेंबूर वेस्ट को जाता है, बस से भी जा सकते हैं। बस से जाने के लिए बहुत सारी बसें हैं, 6 रुपये लगती है, लेकिन बस के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, टाइम पर बसें नहीं। तो हमने सोचा चलो अभी छुट्टी का दिन है और बहुत दिन से मोटो ब्लॉगिंग किया नहीं, तो दवा लेने के बहाने जाते हैं। इस समय फालतू बाइक लेके निकलता नहीं, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, तो खाली मोटर व्लॉगिंग के लिए मैं ज़बरदस्ती गाड़ी चलाता हूँ। कहीं काम से अगर जा रहा हूँ, किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, बहुत अर्जेंट है, बाइक के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जल्दी पहुँचने के लिए, तो फिर मैं मोटर व्लॉगिंग करता हूँ। वैसे मैंने पहले भी बहुत सारे मोटर व्लॉगिंग किया हूँ और मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग किचन के जो प्ले लिस्ट है उसमें माई ब्लॉग के ऊपर उसमें दिया है, तो उसमें सारे आपको मेरे मोटो ब्लॉग या फिर ब्लॉग जो है वो सब मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मेरे को ऐसा बहुत ही प्रोफेशनल ब्लॉग नहीं है और मोटो ब्लॉग भी प्रोफेशनल नहीं है, जनरल आम ब्लॉग है। अगर पसंद आए तो देख लो, चुका। तो मैं एकदम आम तरीके से सब बनाता हूँ, प्रोफेशनल या बहुत काम धाम करके वो सब करके नहीं बनाता हूँ, फिर सीधा रियल है वो रियल देखो, एडिट करके या फिर उसमें अलग अलग फेस वगैरह या फिर कैसा नहीं बनाता, जो रियल है वो देखो, जैसा है वैसा देखो। कोई इसमें कंटेंट क्रिएट नहीं है, बल्कि जैसे मेरी रिक्वायरमेंट रहती है बाइक लेके निकलने की, मैं बाइक लेके वैसे ही निकलता हूँ और वैसे ही शूट करता हूँ। और ये भी जो है मैं अपनी मम्मी की दवा लेने जा रहा हूँ, तो इसको ऐसे ही जैसा है वैसे मैं रियल शूट किया हूँ। कोई ऐसा मतलब जो है बाइक लेके निकला हूँ कि चलो अभी मोटर व्लॉगिंग करना है, तो बस खाली गए और आ गए, यहाँ तक गए वहाँ तक गए और फिर प्लट करा गया। ऐसे में कई ब्लॉग चले नहीं चले, वीडियो यूट्यूब पे चले नहीं चले, भरोसा नहीं, कभी चल जाते कभी नहीं चलते। लेकिन ऐसे पेट्रोल बेवजह खर्च नहीं करता मैं, ज़रूरत इतनी उतनी कर नहीं है मत करो, लेकिन सिर्फ जो है मोटो लॉगिंग के लिए ही मैं निकलूँगा और पेट्रोल का पैसा खर्च करूँगा और उसको 15-10 किलोमीटर ऐसे चला के आ जाऊँ, तो वो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो प्रोफेशनल लोग जिनकी अच्छी यूट्यूब एकदम अच्छा चल रहा है, पैसे और उनको बराबर मिल रहे हैं, उनके वैसे मिलियन के व्यू है, तो वो चलो उनके लिए सही है कि भाई वो निकले वॉकर लेके, बाइक लेके निकले और खूब 30-40 किलोमीटर गए फिर 40 किलोमीटर आए, तो उनका एक उन्होंने एक मौके ब्लॉगिंग में डाल दी, तो जितना पेट्रोल नहीं चलता उससे कई गुना उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन अपना भी ऐसा नहीं है,
जितना छोटा मोटा कर लिया गया। हाँ अगर कभी मतलब छुट्टियों में कोई अच्छा सुबह में मंजर या कोई अच्छा सीन देखना है या कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करना है तो मैं शायद निकलूँ, क्योंकि अभी गाड़ी को बंद करके भी नहीं रह सकता, 1.5 महीना छुट्टी है। तो छुट्टियों में हमारा काम जो है वो घर में रहते हैं, थोड़ा स्कूल की क्लास की बच्चों की प्लानिंग करते हैं, नए साल में आने के लिए क्या क्या हमको टारगेट है वो सब टारगेट तय करके उसके हिसाब से कंटेंट में तैयार करूँ ना। मैंने छुट्टी है मतलब ऐसा नहीं किसी को आराम कर रहे हैं सोए पड़े हैं, मैं वैसा नहीं करता हूँ, बल्कि आने वाले साल में कुछ टारगेट फिक्स करना है कि अपने बच्चों को किस लेवल पे लेके जाना है, जो क्लास में जो नए बच्चे आएंगे तो उनको तो किस लेवल पे लेके जाना है, कौन सी चीज़ें बनाना है, कंटेंट क्या बनाना है, पेपर्स वगैरह कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सारी जो है जून जुलाई मतलब तो पूरा 6 महीने की प्लानिंग, ये जो 1.5 महीने में वो 6 महीने की प्लानिंग हम लोग इसमें कर लेते हैं टीचर्स वगैरह। और कुछ लोग नए भी करते हैं, कुछ लोग मतलब घूमने फिरने गाँव वगैरह जाते हैं रिश्तेदारों से मिलने, कभी हमारा तो गांव है नहीं, मैं तो गांव छुट्टी में कोई भी दिवाली की छुट्टी हो या गर्मी की छुट्टी में नहीं जाता हूँ, मैं घर में ही रहता हूँ और मोस्ट ऑफ मेरा टाइम घर में जो है वो एजुकेशनल वीडियोस बनाने में जाता है, क्योंकि ये दिनों में ही जितनी मैं एजुकेशन वीडियो बना सकता, फिर स्कूल खुल गया तो फिर थोड़ा मुझे टाइम मिल नहीं पाता है, तो इन दिनों फिर मैं ये छुट्टी में बहुत बना देता हूँ, जो क्लास मेरे पास रहती है उस क्लास से रिलेटेड सारे वीडियो बनाता हूँ। तो अभी फिर नेक्स्ट ईयर बच्चों की पढ़ाई के लिए कमज़ोर बच्चे जहीन बच्चे सबके कैटेगरी के हिसाब से जो है सब एक्सरसाइज वगैरह मैं तैयार करके रखना है, मुझे प्लानिंग भी करना है, वीकली प्लानिंग और फिर मंथली प्लानिंग फिर ईयर प्लानिंग ये सब करके रखना है, ताकि जब साल शुरू होगा तो शुरू होने के टाइम हमारे दिमाग में ये नहीं रहे कि अभी क्या पढ़ाऊँ अभी क्या करना है, बल्कि छुट्टियों में सारी प्लानिंग कर लेंगे तो फिर मसला नहीं रहता, सब चीज़ें जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो पूरा महीना जो है ये प्लानिंग में सब इसमें और एजुकेशनल वीडियोस में इसी में जाएगा, थोड़े बहुत मैं ब्लॉग वगैरह बना लूँगा तो मैं ब्लॉगिंग भी कर लूँगा, यही टाइम है फ्री टाइम रहता है तो इसमें थोड़े बहुत मोटो ब्लॉगिंग हो जाएगी, लेकिन मेन मेरा छुट्टियों में मकसद मेन यही रहता है कि अगली क्लास जो मिल रही है उनका टारगेट सेट करो और साल के आखिर में एनालाइज करो कि जो टारगेट मैंने सेट किया है वो टारगेट अचीव हुआ या नहीं, और ऐसा नहीं कि एक साल जो है मैं टारगेट सेट करता हूँ या फिर प्लानिंग करता हूँ, मैं हर साल करता हूँ। अगर गांव अगर किसी मतलब गांव वगैरह में किसी के मैं गया हूँ तो वहाँ पे भी मेरा टारगेट यही रहता कि अगले साल की प्लानिंग क्या होगी, तो उससे जो है अपने टारगेट सेट करने से जो है ना काम करना एकदम इजी है, प्लानिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो आते हैं वो हमारे पास एक साल भी रह गए तो जो साल वो बच्चे हमारे पास आए हैं तो वो जो एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए एक टीचर से वो अगर नहीं मिले और वो हमने नहीं किया तो फिर मतलब एक साल बच्चों के साथ में गुजार के हमने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया तो वो बेकार है। तो गवर्नमेंट चाहती है जिस तरह से बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को वो सब मिले जो उस बच्चे का हक है, और वो हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास प्लानिंग रहेगी, प्लानिंग नहीं रहेगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, प्लानिंग के बगैर अगर काम करेंगे तो टारगेट सेट नहीं होगा, जो अचीव करना चाहते हैं जो बच्चों को एक्चुअल में जो मिलना चाहिए वो देना चाहते हैं हम, लेकिन वो नहीं दे सकते क्योंकि प्लानिंग नहीं है। तो अभी ये छुट्टियों में मैंने इरादा कर लिया कि पहले सबसे पहले एजुकेशनल जो काम है वो पूरा किया जाए,
और वक्फे वक्फे से मतलब हफ्ते में एक या दो मोटो लॉगिंग किया जाए ताकि वो भी हमारा होता रहे और हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे कि भाई गोंडी और गोंडी के अतराफ में चेंबूर वगैरह या माही मेरा अक्सर आना जाना होता है, तो थोड़ा माहिम का भी रास्ता हम बता देंगे। बहुत सारे लोगों को जो है मैस्को ट्रस्ट का रास्ता मालूम होता है, तो मैं मोटो लॉगिंग के ज़रिए उनको एक्चुअल में ऑफिस किधर है मैस्को का वो भी उनको लोकेशन बता दूंगा स्टेशन से लेके ऑफिस तक का। तो जहाँ जहाँ तक मैं रिक्वायरमेंट रहती है मेरा जाना होता है, मैं उसी की मोटो ब्लॉगिंग करूँगा। और अगर कुछ अच्छे सीन्स वगैरह लोकेशन वगैरह अगर मुझे बताना है तो फिर उसके लिए भी मैं जाऊँगा। 50-60 रुपए का पेट्रोल भर के वो भी दिखा दूँगी, फिर जो नहीं जानते हैं वो भी हम लोग बता देंगे ताकि ऑडियंस को भरपूर मटेरियल देखने का मिल जाए गाड़ी की तरफ पार करने का।